लगातार बढ़ते अपराध और अवैध हथियारों द्वारा दी जा रही वारदातों पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली पुलिस हर भरसक प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में पुलिस की मध्य जिला पुलिस की प्रसाद नगर थाना पुलिस ने एक अवैध हथियार सप्लायर को गिरफ्तार किया है। आरोपी लखनऊ में बैठे अपने आका के हुक्म के बाद दिल्ली में बताए गए बदमाश को पिस्टल डिलीवरी करने आया था। आरोपी दिल्ली NCR समेत उत्तर प्रदेश में 100 से ज्यादा अवैध हथियार बदमाश को सप्लाई कर चुका है। दरअसल प्रसाद नगर थाने में तैनात SI गौरव को एक गुप्त सूचना मिली थी कि इलाके में एक आर्म्स सप्लायर किसी बदमाश को हथियार की डिलीवरी करने आने वाला है, जिसके बाद सूचना को आला अधिकारियों के साथ साझा किया गया। इसके साथ ही SHO और इंस्पेक्टर RN पाठक के नेतृत्व में SI गौरव, हेड कांस्टेबल MP सिंह और अंकुश की टीम ने इलाके में बने झील वाले पार्क के पास ट्रैप लगाया, जहाँ एक व्यक्ति आकर अकेला अंधेरे में खड़ा होकर किसी का इंतजार करने लगा, जिसके हाथ में एक थैला था। और इन्फॉर्मर का इशारा मिलते ही पुलिस टीम जैसे ही उसकी तरफ जाने लगी, वो पुलिस को देखकर वहां से भागने लगा, लेकिन सतर्क पुलिस टीम ने आरोपी को धर दबोचा। तलाशी लेने पर उसके पास से 4 सोफिकेटेड पिस्टल बरामद की गई और आरोपी की पहचान मोहम्मद अब्दुल्ला निवासी हापुड़ उत्तर प्रदेश के तौर पर हुई है। वहीं पकड़े गए आरोपी ने पूछताछ के दौरान पुलिस को बताया कि वो लखनऊ में बैठे अपने आका मोहम्मद लारी के लिए काम करता है।